गाइज मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, फिर मेरे माइंड में एक ख्याल आया कि क्यों ना फुटबॉल स्पिन सीखा जाए। और फिर क्या था, कर दी प्रैक्टिस शुरू। स्टार्टिंग में तो कोई भी स्किल टफ ही लगता है, लेकिन फुटबॉल का ये वाला स्किल नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा, यही सोचकर मैं प्रैक्टिस करता गया। लगभग आधे घंटे से 45 मिनट के प्रैक्टिस के बाद अचानक से फुटबॉल इतनी देर तक स्पिन होता रह गया, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। अब थोड़े थोड़े समय के बाद ही ऐसी छोटी छोटी सक्सेस मिलने लगी थी, लेकिन मुझे पता था कि इससे अभी बहुत आगे जाना है और मैं प्रैक्टिस करता गया। एक ही दिन में ज़्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से कलाइयों में दर्द होने लगा था, जिसकी वजह से थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने के बाद आज की सेशन को ख़त्म करना ही सही समझा। आज है प्रैक्टिस का दूसरा दिन। और जिस तरीके से आज फुटबॉल उंगली पे स्पिन हो रहा था, मुझे पूरा भरोसा था कि आज मैं इसे कंप्लीट कर लूँगा। इतने देर तक प्रैक्टिस करके मुझे ये तो समझ आ गया था कि फुटबॉल को जितनी ही नुकीली चीज़ पे स्पिन कराओगे, ये उतनी ही ज़्यादा देर तक स्पिन करेगी। इसीलिए अब मुझे फुटबॉल को अपने उंगली के नाखून पे स्पिन कराना था, जो कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये आसान हो जाता है। फाइनली 3 से 4 घंटे की प्रैक्टिस के बाद अब मैं फुटबॉल स्पिन लगभग सीख चुका था, लेकिन फुटबॉल को और ज़्यादा देर तक स्पिन कराने के लिए मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, और ये था मेरा अब तक का सबसे लंबा स्पिन। थोड़ी सी और प्रैक्टिस के बाद ये इतना आसान हो गया कि मैं इसे कहीं भी कभी भी स्पिन करा सकता था। आप भी इसे सीख सकते हो 4 से 5 घंटे की प्रैक्टिस के बाद, तो बस प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।